तो हाय, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ मेरी तरह बढ़िया होंगे। बढ़िया थे ना? मैं कल रात को यहाँ पर आया था, डॉर्मेट्री में रुका था और यहाँ बेलूर स्टेशन है। यहाँ पर मैंने आपको बताया शायद, ठीक है मैं डाल दूँगा फिर से। बेलूर स्टेशन कुछ इस तरह दिख रहा है, दिखा देता हूँ। बेलूर स्टेशन, ये बेलूर स्टेशन है। आज जाऊंगा थोड़ा कलकत्ता घूमूंगा, देखूंगा हावड़ा ब्रिज तक जाऊंगा। उसके बाद पता नहीं है मुझे कहाँ तक जाऊंगा। आज मैं रुका हूँ यहाँ पर, कल मैं निकल जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। और ये लोगों का भीड़ देखो गाइस, ये मेमो लोगों का भीड़। कल ही ऐसा था एकदम फुल भीड़ है भाई साहब। अब जाऊंगा विक्टोरिया मेमोराइज, वो क्या होता है विक्टोरिया, वो जो भी है म्यूजियम। उसके बाद मैं आऊंगा हावड़ा ब्रिज, शाम तक यहाँ पर लौट आऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से घूमने के लिए, कलकत्ता थोड़ा देखेंगे, देख कर आऊंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं भाई साहब। ये बेलूर का स्टेशन कुछ इस तरह। अब मैं जाऊंगा हावड़ा ब्रिज, उसके बाद जाऊंगा या विक्टोरिया मेमोराइज चला जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा हावड़ा ब्रिज। देखते हैं कहां तक, अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूं मैं, ट्रेन आएगा तो मैं चला जाऊंगा। बस कुछ इस तरह लोग दौड़ भीड़ कर रहे हैं। मैं आज थोड़ा घूम के फिर बेलूर आ जाऊंगा शाम को। नाश्ता मैंने कर लिया था, अभी देखते हैं कौन सा ट्रेन आएगा, कहाँ तक जाएगा, जाके मैं निकल जाऊंगा। ये है हावड़ा स्टेशन का बाहर, कुछ इस तरह है ऐसा, बहुत बड़ा स्टेशन है वो, क्या बताऊँ। अब मैं जाऊंगा टैक्सी लेकर ही जाना पड़ेगा मुझे, टैक्सी लेकर विक्टोरिया। हाँ मैं टैक्सी से पूछूंगा कितना लगेगा, पता नहीं। भाई साहब ये कुछ इस तरह है, ये पूरी शहर और ये स्टेशन हावड़ा स्टेशन। भाई साहब फेरी में निकलना पड़ेगा मुझे, फेरी में जाऊंगा। ये कुछ इस तरह है फेरी, फेरी से निकलूंगा यहाँ से। भाई साहब हम फेरी में जाएंगे, अब फेरी से वहाँ जाएंगे विक्टोरिया मेमोराइज तक। ये है हावड़ा ब्रिज, कुछ इस तरह दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। आज थोड़ा घूमूंगा घूम के, कहाँ कहाँ निकल जाऊँगा। कल मेरा फ्लाइट है, कल से बस यही है जो आएगा, वापसी फिर से फेरी में आऊँगा। बहुत सारा फेरी है भाई साहब, कहाँ कौन सा फेरी, ये फेरी निकल रहा। फेरी में बैठ गया हूँ, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जाऊँगा, ये फेरी कहाँ ले जाएगा पता नहीं मुझे। जाऊँगा फेरी से निकल कर, उसके बाद विक्टोरिया में हमारा इस थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। क्या होगा, भूख भी लग रहा है, खाना वाना खाऊंगा, फेरी में निकल जाऊंगा। फेरी निकल रहा है बस, नहीं तो ऐसे ही निकल जाऊंगा क्या मैं, बस तो लेना पड़ेगा मुझे। और ये बिल्डिंग भाई, भाई साहब
भाई साहब पुलिस लोग यहाँ पर देखो चेकिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि टैक्सी वगैरह को चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो धुआं निकलता है ना, इसलिए वो चेक कर रहे हैं, पॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। ये पुलिस का गाड़ी है भाई साहब। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा वो हो रहा है। कस्टम हाउस भाई साहब, ये कस्टम हाउस कुछ ऐसा है। देखते हैं आगे जाके, निकलते हैं। बॉस को रुका 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 के चेक करवा रहे हैं भाई साहब। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कि देखने वाली लाइक है क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा नहीं होगा। नहीं तो गाड़ी में जितना धुआं निकलता है ना भाई साहब। SCD में एंटर कर चुका हूँ मैं, कल जाऊँगा नॉर्थ ईस्ट जाके मैं एक्सप्लोर करूँगा आप लोग। भाई साहब यहाँ से पहले ट्रेन जाता था, अब नहीं जा रहा है। ये रास्ता देखो ट्रेन का, रेलवे का ट्रैक कुछ इस तरह है। अब शायद नहीं जा रहा है कुछ से, ट्रेन बंद हो गया यहाँ पर जाना, पता नहीं क्यों। इस रास्ते पर चल रहा हूँ मैं और 1 किलोमीटर है विक्टोरिया मेमोराइज म्यूजियम देखने, देखेंगे कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है घोड़ा गाड़ी। आप लोग देख सकते हो अंग्रेज़ ज़माने में आ गया शायद, मुझे लगता है। वैसे अब यहाँ से जाऊँगा मैं विक्टोरिया। बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। वो घोड़ा का फेरी भी लेते हैं यहाँ पर। आई साहब एकदम मस्त है भाई, क्या बताएं। देख लो यहाँ पर लोग जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और मैं पहुँच गया विक्टोरिया, वहाँ से टिकट लेके अंदर घुस जाऊँगा। सब आए घूमने के लिए, सब लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पर। ये घोड़ा गाड़ी है भाई साहब, मस्त एकदम। यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ मैं। ये है मेरे सामने विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम। अब इसके अंदर जाऊँगा मैं। मेरा कुछ पड़ा था, ये लोग इतना भीड़ है भाई साहब, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या बताऊँ। 2 लाइन लगा हुआ है, वो रोड तक पहुँच गए लोग। यहाँ पर इतना सारा लाइन है देखो। यहाँ पर टिकट काउंटर है यहाँ पर, और यहाँ से लोग देखो कैसे, और ये फटोफटो खिंचवा रहे हैं लोग। भाई साहब मैं आया था यहाँ पर, बहुत लेट हो गया मेरा आने के लिए, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। बहुत पुलिस वाले ने बोला था कि मुझे बंद कर दो, ये मत बना। पता नहीं क्यों, वो कुछ बताना चाहिए था ना क्यों बंद करे। हम लोग देखने आए हैं, दिखाने आए हैं। और कुछ इस तरह है यहाँ का नज़ारा, आप लोग देख सकते हो। कुछ सिक्योरिटी रीजन, वहाँ से कैमरा अलाउ नहीं है होगा शायद, बट फोटो वोटो तो खींचवा सकते हैं ना वो। बस देखते हैं क्या बोलते हैं। अब पुलिस वाला भैया आ रहे हैं अभी। म्यूजियम के अंदर जाऊँगा तो अभी कैमरा ऑन नहीं करूँगा ना अभी। ये तो कुछ नहीं बोला भाई साहब, ये पुलिस वाला तो कुछ नहीं बोला, वो भड़क गया साहब। छोड़ो अपनी अपनी मर्जी है। ये विक्टोरिया का कुछ फोटो वोटो खिंचवा लूँगा, इन लोगों को बोलूँगा यहाँ तक कैमरा यहाँ से नहीं है। और चारों तरफ व्यू देख लो गाइस, बहुत मज़ा आएगा। ये कुछ इस तरह है। और ये बोला जा रहा है कि विक्टोरिया क्योंकि कभी यहाँ पर शासन किए थे अंग्रेज़ों ने, इसलिए विक्टोरिया मेमोरियल ये म्यूजियम है। इंडिया का बहुत बड़ा म्यूजियम है ये, शायद दूसरा या चार म्यूजियम है, पता नहीं मुझे कितना म्यूजियम है। उनमें से एक ये है बड़ा वाला म्यूजियम। आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो, ऐसा कुछ हिसाब किताब है यहाँ पर भाई साहब। 30 रुपया लिया है, 30 रुपया ये एंट्री करने के लिए 30 रुपया लिया है मुझे, सबका 30-30 रुपया लेते हैं टिकट करने के लिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ था, मैंने तो लेट नहीं आया था। अब थोड़ी देर बाद देखूँगा, देख के आप लोगों को पता नहीं शायद दिखा पाऊँगा कि नहीं, बार वाला ही दिखाऊँगा शायद, कुछ ऐसा है भाई साहब। मैं अभी फोटो वोटो खिंचवाऊँगा, फोटो वोटो खिंचवाने के बाद आप लोगों के साथ बात करूँगा।
मेन क्या है कि देखूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और यहाँ का कैसा सिचुएशन कैसा है। बस अब ऐसा कुछ हिसाब किताब है। यहाँ पर मेरे सामने ही म्यूजियम है, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है और लोग सब सारे घूमने आए। जितने सारे लोग देख रहे हैं ये सारे टूरिस्ट हैं, सारे के सारे। ये म्यूजियम है भाई साहब, इसके अंदर जाना है मुझे अभी। अब जाऊंगा, मोबाइल में भी थोड़ा बैटरी बैटरी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, जितना आ सके मैंने पावर बैंक से कर लिया हूँ। अब थोड़ा जाऊंगा यहाँ से, अंदर जाऊंगा, अंदर जाके क्या है क्या नहीं है अब तो दिखाऊंगा। भाई साहब कुछ इस तरह दिख रहा है यहाँ का म्यूजियम, अंदर तो नहीं गया मैं, जाऊंगा अभी, पता नहीं अब तक ये बंद ना हो जाए भाई साहब मुझे, और थोड़ा पास में ही जाता हूँ, पास में ही जाके आप लोगों को दिखा दूंगा। ये कुछ इस तरह है ये म्यूजियम, आप लोग देख सकते हो भाई साहब, इतना बड़ा म्यूजियम है। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो 4 बजे बंद हो जाता है, तो जल्दी जाऊंगा। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं हो, कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर अंदर दिखा नहीं पाऊंगा, बट आके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा हो, कैसा है कैसा नहीं, क्या है इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, मैं आप लोगों को आके आराम से बताऊंगा। अब मैं अंदर चलूंगा, अंदर चल के देख के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये टॉप है भाई साहब, ये टॉप है, ये बाहर का नजारा देखो गाइस, एकदम मस्त क्या दिख रहा है व्यू नजारा। अंदर जाऊंगा मैं अब, इसको पहले बंद करो। अचानक से मुझे बोल दिया गया कि वीडियो नहीं बना सकते, अंदर आके लोगों को देख रहा हूँ तो लोग वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, ये मैं हूँ देख लो लोग, क्या करो अब मोबाइल से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, हाथ से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। ये मिरर देख लो, ये कुछ ऐसा है भाई साहब, बहुत बड़ा व्यू म्यूजियम है। थोड़ा अंदर जाऊंगा, अंदर जाके फिर से मुझे बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये आप ऐसे देख सकते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है और ये कुछ इस तरह है। अंग्रेजी ज़माना का ये है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कुछ इस तरह, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और ये अंग्रेजी ज़माने का फोटो है भाई साहब। बहुत बड़ा, ऊपर देखोगे तो बहुत चक्कर आ जाएगा भाई साहब, मतलब एकदम मस्त है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा मुझे। हाँ क्यों पता नहीं क्यों ये बोल दिया गया कि मुझे, और यहाँ थोड़ा देखेंगे हम लोग क्या देखा गया बहुत ही, अंग्रेजी ज़माना का हुआ था, और यहाँ पर कुछ ये लगा हुआ है जो गांधी जी जो वक्त पद यात्रा कर रहे थे ना वो वाला, सब कुछ पुराना है भाई साहब, पुराना बहुत ज़्यादा पुराना, अंग्रेजी टाइम का वो सब है, और यह सब सीसे भी से लगा हुआ है, और ये कुछ देख सकते हो आप लोग, थोड़ा मोड़ा दिखा देता हूँ।